बुरा हाल है इसका, प्लीज डालिए। अब इसको होश नहीं है, कभी नहीं कभी। बाबूजी क्या कहते हैं, ये बच्चा बेचारे डरते मारे, ये हमारे स्कूल जुनून का प्राण बनान के ले गई, हम बात करें। क्या नाम है आपका माता जी? सुशीला। सुशीला देवी, कौन है ये आपका लड़का? कैसे क्या हुआ इसको? इसको जा रहा था ससुराल में, फिर ससुराल में जा रहा था, दो गाड़ी लगी हुई थी, दो गाड़ी में दस पुलिस वाले 20 तमंचे दिखाए उन्होंने, और उनको डाल के जबरदस्ती बाबू सिंह को, काकू को, और ले गए। फिर क्या किया इसके साथ? इसके साथ में बत्ती लगाई, खूब मारपीट की, मारपीट करके इसको मारपीट करके, और फिर इसको मार के डाल गए। कितने दिन के बाद? छह दिन के बाद। कहाँ कहाँ चोट है इनके शरीर पे, किस तरह की चोटें हैं ये? बहुत चोटें हैं, सब गाफिल है, कई होश नहीं है, कई बोल नहीं रहा। क्या इसको करंट लगा है? क्या करंट लगा हुआ है? और क्या कुछ किया इसको? जलाया भी है? जलाया हुआ। ये हमारे थाना क्षेत्र निगोही के गाँव मिल्किया है, वहाँ की इसका नाम है बाबू उर्फ कक्कू। इसको 1 तारीख को क्राइम ब्रांच पुलिस उठा के ले गई थी। जब 1 तारीख उठा के ले गए तो मैंने एडीजी बरेली से बात की कि हमारे यहाँ से ऐसे ऐसे लोग बाबू उर्फ कक्कू को पकड़ ले गए हैं, इसको दिखवाइए। मेरे जानकारी में आदमी भला है, आज तक इसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। तो उन्होंने कहा कि विधायक जी हम दिखवाते हैं। कल जब बात हुई चालान कर दिया गया। मैंने उनके घर वालों को बता दिया कि भाई उनका चालान कर दिया गया, और ये भी कहा कि गंभीर धारा में चालान हुआ। हमने इनसे कह दिया कि अब आपके बच्चे का चालान हो गया है, और फरीदपुर थाने से बताया कि फरीदपुर थाने से हुआ है। उसके बाद में आज ये सुबह इनके गांव में, इनके गांव के किनारे गन्ने के खेत में डाल गए। जब ये लोग टट्टी पकाना गए, जब उसे देखा कि तो पड़ा हुआ है, बेहोशी की हालत पड़ा था। ये हमारी सरकार के की कतई अधिकारी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। जब मेरी फिर आज बात हुई तो हमसे ये कहा कि उसका 151 चालान हुआ। जब हमारे निगोही से लेके गए, बरेली पुलिस पकड़ ले गई, फरीदपुर से चालान हुआ, 151 चालान हुआ, फिर हमने कहा कि इनकी जमानत किसने कराई ये बताओ आप, तो ये बोले कि निजी मुचलके पे छोड़ दिया गया। ये पुलिस ने बहुत बड़ा खेल खेला है, और हम चाहते हैं कि इसमें जांच हो, और दोषी कर्मचारी अधिकारी जो भी हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसकी ये स्थिति है, ये गरीब है, निर्धन है, बेसहारा है, हम किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं अच्छा होने देंगे। और संभवता होगा तो मैं कल दीपावली है, कल तो हो सकता सीएम साहब ना मिल सकें, हम सीएम साहब के सामने भी ये पूरी घटनाक्रम रखेंगे। देखिए ऐसा है, माननीय विधायक जी ने हमारे संज्ञान में लाया है, और ये माननीय विधायक जी की कृपा है कि जो ये विक्टिम आया है, इसको पहले हमारा काम है कि इनको चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया जाए, और फिर जब ये होश में आ जाएगा तो ये जो बताएगा उसके आधार पर इसमें हम अपने उच्च अधिकारियों को संज्ञान में ला करके जो विधिक कार्रवाई होगी कराई जाएगी।